किसी भी चीज को हमें भली भांति याद रखने के लिए अगर हम उसे प्रभावपूर्ण ढंग से अपने मस्तिष्क में प्रस्तुत करते हैं तो वह हमें सदैव याद रहेगा। इसके लिए हम आपको 6 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बता रहे हैं। पहला नियम, संबंध। एक बिंदु जिसे हम सब जानते हैं और अगर हम दो बिंदुओं को आपस में मिला दे तो एक रेखा बनती है और इसी तरीके से कई रेखाओं को सुनियोजित ढंग से मिला दे तो एक आकृति बनती है। यही नियम हमारे स्मृति पर भी लागू होता है। हम छोटी छोटी कड़ियों को जोड़कर एक बड़ी कड़ी का निर्माण कर सकते हैं और उन छोटी कड़ियों की वजह से हम बड़ी कड़ी को याद रख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर आप अंग्रेजी शब्द सीखना चाहते हैं तो मान लीजिए कुर्सी का इंग्लिश चेयर आपको याद करना है तो इन दोनों के बीच हमें एक संबंध स्थापित करना होगा। अगर यह संबंध मजबूत होगा या कुर्सी और चेयर के बीच का मार्ग दृढ़ता पूर्वक स्थापित होगा तो हम यह शब्द कभी नहीं भूलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी चीज को याद करने के लिए उससे संबंध स्थापित करने से हमें वह आसानी से याद रहता है। दूसरा, आत्मविश्वास। आपको अपने याददाश्त पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। कोई भी कार्य अगर आप करने जा रहे हैं तो आप अपने आप से यह जरूर बोले कि आपकी याददाश्त बहुत ही अच्छी है और जो भी आप याद करना चाहेंगे तो आपको वह बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप यह सोचते हैं कि आप किसी चीज को याद नहीं रख पाएंगे तो आप उस चीज को कभी याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपनी याददाश्त पर विश्वास होनी चाहिए। आप अपनी याददाश्त को अपने विश्वास से सींचते रहें। तीसरा, ध्यानपूर्वक कार्य करना। ध्यानपूर्वक कार्य करने का अर्थ यह है कि एक वक्त पर एक ही काम पूरे ध्यान से करें। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसके अलावा और कोई कार्य आपके समक्ष प्रस्तुत हो रही है तो उसे अपने मस्तिष्क से हटा दें। अपने विचारों को भटकने ना दें। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप उस विषय में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चौथा, इंद्रियों की शक्ति का प्रयोग। हम किसी चीज को याद करने के लिए हमें अपने 5 इंद्रियों को पूरी तरह उस विषय में लगा देनी चाहिए। कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा। हम इन सभी इंद्रियों के सहायता से अपनी याददाश्त को दृढ़ बना सकते हैं। अर्थात जब हम पढ़ रहे हो तो सिर्फ कान आंख ही नहीं, हमें त्वचा, जीभ और नाक पर नियंत्रण रखना चाहिए। अगर हम उन्हें भटकने देंगे तो हमें पढ़ने में बाधा उत्पन्न होगी जिससे हमें पढ़ने और याद करने में कठिनाई महसूस होगी। पांचवा, अजीबोगरीब चीजें। मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और उस दिन आपके टीचर ने आपको नकली बाल पहना दिया तो आप उस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे। वह अजीब बातें आपको सदैव याद रहेंगी। मस्तिष्क की यह बहुत खास आदत है कि वह अजीब चीजों को याद कर लंबे समय तक याद रखने में सहायता प्रदान करती है। तो क्यों नहीं हम किसी चीज को याद करने के लिए इसका प्रयोग करें। छठवां, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मानसिक चित्रों का महत्व। याद करने के लिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि चित्र एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आप जो भी कुछ याद करना चाहते हैं अपने मस्तिष्क में उसका चित्र बनाने का प्रयास करें। यह एक बहुत ही प्रभावकारी तरीका है जो कि हमें बहुत ही कम समय में लंबे समय तक याद करने की क्षमता प्रदान करता है। मान लीजिए आपको 10 चीजें याद करनी है, फैन, साइकिल, बेड, बैग, पर्स, शूज, कोट, पेन, बुक और फोन। आप इसे कितने समय में याद कर सकते हैं? वीडियो को रोकिए और जरा इसे याद करने की कोशिश करिए। रुकिए जरा, अब हम जरा दोबारा कोशिश करते हैं लेकिन इसे दूसरे तरीके से। इसे हम अब एक मानसिक चित्र में बदलते हैं। मान लीजिए आपका फैन खराब हो गया है और उसे बनवाने के लिए आप अपने साइकिल से मैकेनिक के पास जाते हैं।
और फैन को बनवा कर लाते हैं। फिर बेड पर चढ़कर फैन लगाते हैं, फिर बेड पर सो जाते हैं। दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए बैग लेते हैं और स्कूल चले जाते हैं। उस दिन मैम क्लास नहीं ले पाती है क्योंकि मैम अपना पर्स भूल जाती है। और उसी दिन आप खेलने के लिए फील्ड में आते हैं और आपका शूज खराब हो जाता है। शूज खरीदने के लिए आप और आपके पापा मार्केट जाते हैं और आप वहाँ पे शूज खरीदते हैं और पापा कोट खरीदते हैं। और फिर घर आके आप पेन और बुक लेकर पढ़ने लगते हैं। पढ़ने के बाद आप फोन चलाते हैं, फोन चला के आप सो जाते हैं। अब वीडियो को पॉज करिए। अब जरा सोचिए कि क्या आपको कितने शब्द याद हुए हैं। आपको अगर यह स्टोरी पूरे तरीके से याद हो गई होगी तो आपको ये 10 शब्द बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे और आप देखेंगे कि आपको ये 10 चीजें बहुत ही आसानी से याद हो चुकी हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे याददाश्त के लिए हमारा मानसिक चित्र बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने विचारों के माध्यम से याद करने वाली चीजों को देख या चित्र में बदल सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इस वीडियो के प्रति क्या राय है और आप इन 5 चीजों में से कौन सी चीज ज्यादा प्रयोग में लाते हैं? तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के प्रति आपका क्या राय है और इन 6 चीजों में आप कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा प्रयोग में लेते हैं? क्या आपका कोई अपना स्टाइल है जिसे आप याद करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं? तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।